विशाल हिंदू सेना संगठन की अपील, बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत देश दे शरण और सुरक्षा, ऐसा नीरज गुनियाना ने कहा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां नागदा तहसील अंतर्गत उन्हेल थाना क्षेत्र उन्हेल में असौल हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष कुमार विक्रम सिंह दरबार ने प्रेस वार्ता में बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल ठाकुर एवं मध्य प्रदेश पदाधिकारी नेतृत्व में भारत देश के प्रधानमंत्री से पत्र लिखती हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनको भारत देश में शरण दी जाए। कुंवर विक्रम सिंह दरबार ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं के देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। हिंदू धर्म के लोग वहां से घर से बेघर हो गए, अपने परिवार से अलग हो गए। विशाल हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह दरबार ने बताया कि अगर हिंदू धर्म के लोग वहां ऐसे ही विपरीत आपदाओं से गुजरते रहे तो आने वाला समय हिंदू धर्म के लिए नुकसानदायक होगा। कुंवर विक्रम सिंह दरबार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल ठाकुर के आदेशानुसार सरकार अपना काम करे, हम सरकार के पीछे खड़े हैं। विशाल हिंदू सेना संगठन के कार्यकर्ता हिंदुओं के रहने, खाने और पीने की व्यवस्था करने के लिए तैयार है। देखें मध्य प्रदेश से स्टेट इंचार्ज कमल चौहान की खास रिपोर्ट। मैं विक्रम सिंह दरबार, विशाल हिंदू सेना संगठन, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर विशाल हिंदू सेना संगठन पूरा एक्टिव है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल जी ठाकुर ने पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी लिखी है, उसके जवाब का इंतजार है। बाकी हम सरकार से यह मांग करते हैं और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो बांग्लादेशी स्वागत है, जो आ रहे हैं, प्लान हो रहे हैं, उनके लिए देख रेख करें, उनकी सुरक्षा करें और बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय कमिटी बिठाएं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर इस समस्या का समाधान करें। और जो भी बांग्लादेशी वहां से प्लान कर रहे हैं हमारे भाई, उनके लिए विशाल हिंदू सेना संगठन पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है। सरकार अगर यह कार्य कर रही है, शरणागतियों को शरण दे रही है या उनका लालन पोषण कर रही है, देख रेख कर रही है, तो हमारा संगठन पूरा सरकार के पीछे कदम से कदम मिलाकर चलेगा। और पीएम मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो जवाब है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उनका जवाब तुरंत दिया जाए। और विशेष बात तो यह